खरगोन जिले कसरावत तहसील के ग्राम भुइंदा और चिशली के बीच में विगत दिनों हवा आंधी में विद्युत तारों के गिरने के बाद सुधार कार्य चल रहा था, जिसमें कार्य करने के दौरान एक युवक को करंट लगने से उसकी मौत हो गई। बिजली पोल पर चढ़े एक दैनिक वेतन कर्मचारी की करंट लगने से मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार को 10 बजे के करीब बिजली का काम कर रहे कर्मचारी मनोहर पिता ओंकार बड़ोले जाति भिलाला उम्र 30 वर्ष निवासी वायतेल मुल्ठान को करंट लग गया। करंट लगने के तुरंत बाद साथ ही कर्मचारी एवं ग्रामीणों द्वारा आनन फानन में युवक को धामनोत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंचे। व्यक्ति की मौत हो जाने से पूरा परिवार सदमे में आ गया, साथ ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मृत व्यक्ति के परिजनों ने पत्नी एवं बच्चों के लिए मुआवजा राशि देने की मांग की। साथ ही MPEB में परिवार के एक सदस्य को नौकरी की मांग को लेकर शव के पोस्टमार्टम नहीं करने को लेकर हंगामा भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। क्या मामला है सर? ये अभी सुनने में आ रहा है कि कार के दौरान गिरने से और करंट लगने से मृत्यु हो गई है। उसके बाद अभी यहाँ पे इलाज के लिए आए थे, इलाज के दौरान मृत्यु उनका बता रहे हैं। तो उस पे परमिट लिया तो कोई मौजूद था कि नहीं वहाँ पे? सर मौजूद थे वहाँ पे, जो एरिया के लाइनमैन थे। उसके बाद भी मतलब करंट लग गया, कैसे करंट लग गया? अभी ये जांच का विषय है, जांच के बाद बता पाएंगे कि क्या स्थिति थी वहाँ पे। अच्छा, आउटसोर्स से कर्मचारी को खंभे पे चढ़ाया जाता है क्या सर? ये नहीं है उसमें ठेकेदार के कुछ सेफ्टी बेल्ट वगैरह भी सर लगाए थे क्या? हाँ, जो उपकरण निर्धारित किए गए हैं सरकार के द्वारा वो सब दिए जाते हैं। बाकी ऐसे कुछ उसको नहीं दिए गए थे बताया जा रहा है उसके परिजन में? क्योंकि मैं मौके पे लेट पहुंचा तो अभी जानकारी वो भी मामला जांच है अधीन है। अच्छा, परिजनों को कुछ दिया इसमें कुछ सहायता राशि? फिलहाल जो विभाग 4 लाख रुपये देंगे वो, और 4 लाख रुपये आउटसोर्स के माध्यम से देंगे, और एक आउटसोर्स के माध्यम से परिवार के व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी वो। और उनके बच्चों को, बच्चों के लिए कुछ? उसको अभी उसके लिए भी प्रयास है, उसका विभाग के माध्यम से कोई वो नहीं है। ये जो करंट लगने वाला मामला भुइंदा में, आउटसोर्स कर्मचारी, क्या इनको खंभे पे चढ़ाया जाता है क्या? इनको खंभे पे चढ़ाया नहीं जाता है, ये लापरवाही है लाइनमैन सुपरवाइजर और इनकी लापरवाही है। बिना उपकरणों के कई बार, कई पहले भी ये हादसे हो चुके हैं और इनकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। बस मृत्यु हो गई, आज जो उसके लिए ये कर रहे हैं, जानवरों से बदतर आउट प्रोसेसिंग की जिंदगी चल रही है। पहले भी कहीं हादसे हो चुके हैं और बिना सूचना दिए। जिस क्षेत्र की ये घटना है उस क्षेत्र के पुलिस थाना और इनको सूचना दिए, आए दिन ये धामनोद शासकीय अस्पताल में। ऐसा क्यों किया जाता है कि घसराव की घटना है धामनोद में ले आते हैं? ये कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। अब वो तो संज्ञान में जब आएगा, जांच का विषय है ना। पर आज एक बेगुनाह की, किसी के लापरवाही की वजह से आज एक बेगुनाह की, हमारे भाई की मृत्यु हुई है और उसको न्याय चाहिए। भारतीय मजदूर संघ 25 लाख रुपए मुआवजा और एक को नौकरी, और उसके परिवार को जब तक मुआवजा नहीं दिया जाएगा ना तो PM होगा और ना ये है। परिजनों की भी मांग है और भारतीय मजदूर संघ की मांग है। सर जो व्यक्ति को करंट लगा है मृत्यु हुई, क्या मामला है सर? प्रथम सूचना हमें जो प्राप्त हुई है उसमें था करंट लगने से इनका मृत्यु हुई है। तो थाना धामनोद लगता है, यहाँ हॉस्पिटल थाना धामनोद के अस्पताल में लाए हैं, जहाँ का PM चल रहा है। इस संबंध में हमारे यहाँ 0 पर FIR की गई है, संबंधित थाना को भेज दिया। सर इसमें कुछ सहायता दी गई परिजनों को? हाँ, MPE वालों ने द्वारा कुछ लिखित में दिया गया है कि जो भी विधिक सहायता होगी उनको दी जाएगी, जो भी और औपचारिक रूप से उनके यहाँ से आर्थिक सहायता होती वो दी जाएगी। सर हमेशा धामनोद अस्पताल में कसराव थाना हो, बड़वानी थाना हो या ठीकरी थाना हो, अक्सर यहाँ पर धर्मपुरी क्षेत्र के भी यहाँ पर कोई भी ऐसा केस होते हैं तो यहाँ ले आते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लाने का क्या कारण रहता है और हमेशा यहाँ पर लोड आ जाता है? कारण अस्पताल की सुलभता ही हो सकती है और क्या, और इसके अलावा? सर अगर जिस थाने संबंधित क्षेत्र का मामला है वहाँ पर देखना चाहिए कि नहीं? जहाँ अस्पतालों की सुलभता के संबंध में है, जहाँ जल्दी लगता है कि बड़ा अस्पताल है, सुविधाएं मिल जाएंगी, वहाँ जल्दी उपचार के जगह ले जाते हैं। ऐसा क्या है कि कोई उमरबन का मामला है या मान लो मनावर क्षेत्र थाना का मामला है, फिर भी लोग धामनोद थाना क्षेत्र में ले आते हैं और यहाँ पर हमेशा, जो कि ये बड़ा मतलब क्षेत्र है अस्पताल में, यहाँ पर पहले ही से बहुत सारे केस रहते हैं एक्सीडेंटल के, उसके बावजूद भी यहाँ लोग ले आते हैं और यहाँ के जो डॉक्टर है वो तारीखों पे ही दौड़ते रहते हैं, ड्यूटी नहीं कर पाते, उसमें भी बहुत सवाल खड़े होते हैं। सर इसमें मेरा यही कहना है कि यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर है, इसलिए सभी को बेहतर सुविधाएं मिले, इसलिए हम लोग आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। पर सर इसमें अधिकारी भी ऊपर लेवल पे, ये आप अगर जांच के लिए भेजेंगे यहाँ पे, ऐसा नहीं होना, संबंधित थाना क्षेत्र ही मामला देखे ना सर, आपके द्वारा कोई ऐसी बात की जाएगी या लेटर लिखे जाएंगे सर अधिकारियों को?
जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होती हैं जनरली व्यक्ति वहीं जाते हैं, इस संबंध में इतना ही बोल सकता हूँ। भैया ये जो करंट लगा है भुइंदा में, क्या मामला है? ये मामला ऐसा है, हमारा भाई लेबर मैं बराजतौर से मांगीलाल पटेल, इनका डीसी सचिव हूँ मैं, बालसमंद डीसी में कार्यरत हूँ मैं, ग्रिड ऑपरेटर पे निमरानी में पदस्थ हूँ। मामला ऐसे संज्ञान में आया मेरे कि सवेरे लाइन फाल्ट थी अपना भुइंदा डीएल फीडर, कुछ झाड़ वगैरह गिर गया था लाइन पर, तो टीए महेश मुजालदे जिसका काम केवल ग्रिड पर तक ही सीमित था, उसने परमिट लेके लाइन के जम्फर कटवाए, उसके बाद में करीबन 11:30-12 के समथिंग में राधा कृष्ण बारू, लोकेंद्र सिसोदिया और महेश मुजालदे लाइन पे काम कर रहे थे, और मनोहर बड़ोले भी साथ में थे। तो इन्होंने काम करने वाला अकेला मनोहर बड़ोले लेबर था, इन्होंने उनसे तार वगैरह खिंचवाए, झाड़ वगैरह कटवाए, उसके बाद में इनका ऐसा कहना है कि वो अकेला गया और लाइन पर चढ़ गया। और मेरा कहना ऐसा है कि लाइनमैन साथ में रहना चाहिए, लाइनमैन नीचे मौजूद रहेगा, लाइनमैन ने परमिट लेना चाहिए, दोनों की लापरवाही, टीए ने डीएल के जम्पर कटवाए, और दूसरी सेफ्टी क्रॉसिंग में एरिकेशन लाइन जो थी वो दूसरे लाइनमैन ने परमिट लिया, राधा कृष्ण बारू ने, उसके ग्रिड वाले ग्रिड पे भी ट्रिपिंग आया हुआ है, इसको जब करंट लगा ये नीचे गिरा और ये दुर्घटना हो गई। हमारे साथ आए दिन शोषण होता है। एक चीज ये है कि इसमें लापरवाही किसकी है, लापरवाही टीए की है और लाइनमैन की, वो मौजूद नहीं थे वहाँ पे, मौजूद नहीं थे, पास में खेत में पड़ोस, अभी हमको संज्ञान में आया है कि साइट में खेत में काम कर रहे थे कुछ मजदूर, और वही खेत पड़ोसी मतलब लेके आया हमारे भाई को अस्पताल में, लाइनमैन वगैरह कोई नहीं आए, बाद में आए सभी। अच्छा, सुरक्षा के लिए कोई सेफ्टी बेल्ट वगैरह लगाए हुए थे क्या? सुरक्षा के लिए सेफ्टी बेल्ट कुछ नहीं लगाया हुआ था। अच्छा, और हमको देते ही नहीं सुरक्षा बेल्ट। अच्छा, क्या मांगे आपकी इसमें? हमारी इसमें मांगे कि हमारे भाई को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि आज उसके 1.5 महीने के बच्चे, दो जुड़वा बच्चे हुए हैं, तो हमको कम से कम 25 लाख रुपए मुआवजा चाहिए, और एक परिवार में एक को नौकरी। क्या नाम है? मांगीलाल पटेल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।